we have a 10 years boy, and we have a question from the mother that would be needing an extraction in the lower arch or not. Okay, so this is a situation of a 10 years boy. What we do in the permanent dentition, for the permanent dentition, this question is relatively simple to us. How it is simple? Because we normally, if we have the basic understanding of the of doing the space analysis, what we do, we measure the amount of the alveolar housing. Mean that we pass a brass wire from the mesial contact point of the first molar from one side, and this brass wire pass over the incisal edges of the teeth, whether or not they are very proclined or not. If they are very proclined, then we pass the wire through the cingulum. If they are retroclined, we pass it labially. However, our objective is to pass the wire through the alveolar alveolar crest to understand, to know, to measure ke how much space is available in the arch for that particular teeth. The space required means that we measure the mesial distal width of each tooth from first molar to the first molar. We calculate and measure the mesial distal of the 10 teeth from second premolar to the second premolar. This is the space required for the alignment. For a nicely aligned arch, there should be almost equal space for the alignment of the mesial distal of the 10 teeth. So in the mixed and in the space analysis of an adult patient, what we normally do, we calculate the mesial distal width of the 10 teeth. This is the space required. Space required humne isko kyun kaha, kyunki in 10 daanton ko align karne ke liye hame space chahiye. Okay, theek hai. और स्पेस अवेलेबल क्या है? स्पेस अवेलेबल इज द एल्वियोलर हाउसिंग. कि कितनी एल्वियोलर हाउसिंग जो है वो हमारे पास है. एल्वियोलर हाउस को हम कैसे मेजर करेंगे कि बोन में कितनी जगह है? ठीक है, अगर आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएं, बहुत कॉमन सा सिचुएशन है, वो कहते हैं कि जी अकल दाढ़ निकलेगी क्योंकि हड्डी में जगह नहीं है. यानी कि हड्डी का साइज छोटा है, दांतों की जो साइज है थर्ड मोलर का साइज वो ज्यादा बड़ा है, इस वजह से वो थर्ड मोलर फंसा हुआ है. बहुत कॉमन सा सिनेरियो आपने अपनी फैमिली में सुना होगा. तो हम करते क्या है कि हमने फर्स्ट मोलर एक साइड से लेके दूसरे साइड तक हमने एक ब्रास वायर के साथ उसकी आर्च पेरीमीटर मेजर किया. आर्च पेरीमीटर क्या होता है कि उसकी रिज के ऊपर से हमने स्पेस मेजर की. ये हमारे पास स्पेस अवेलेबल है और स्पेस रिक्वायर्ड जो है वो मिस डिस्टल विड्थ ऑफ द 10 परमानेंट टीथ है. अब इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट किस तरह किया जाता है कि स्पेस अवेलेबल में से स्पेस रिक्वायर्ड को निकालते हैं, और इनमें जितना डिफरेंस है, अगर तो दांतों का मेजर डिस्टल वेट जो है वो ज़्यादा है एल्वियोलर हाउसिंग से, तो बच्चों क्या होगा, व्हाट यू फील कि अगर टीथ की मेजर डिस्टल वेट जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एल्वियोलर हाउसिंग, तो क्या होगा, वो टीथ क्राउडेड फॉर्म में चले जाएंगे. क्राउडेड के फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि जगह कम है एल्वियोलर हाउस में, जगह कम है और टीथ की मेजर डिस्टल विड्थ जो है वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा होगा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा. आप किस केस में देख रहे हैं कि केनाइन जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो फिर वो क्राउडिंग होना शुरू हो जाती है. ये हम काम करते हैं परमानेंट डेंटिशन में. परमानेंट डेंटिशन पे हमारे पास सारा का सारा डाटा अवेलेबल होता है कि हम 10 टीथ, यानी कि 10 दांत जो है फ्रॉम सेकेंड प्रीमोलर टू द सेकेंड प्रीमोलर, हमारे पास उनकी मेजर डिस्टल विड्थ मौजूद है और हमारे पास एल्वियोलर हाउसिंग मौजूद है. दिस इज व्हाट वी डू इन द परमानेंट डेंटिशन. सो कमिंग बैक टू द सिनेरियो, अब हमारे पास सिनेरियो जो है वो ये है. इस सिनेरियो में क्या है कि हमारे पास सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर डी पड़ा हुआ है और ई पड़ा हुआ है. हम लोअर आर्च की बात रखते हैं, इस सिनेरियो को बड़ा सिंपल सा रखते हैं कि डी भी प्रेजेंट है और ई भी प्रेजेंट है, और हमारे पास 3 यानी कि केनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर और सेकेंड प्रीमोलर are not visible in the oral cavity. So how can we answer this question कि इस 10 साल के बच्चे में हमें दांत निकाल के ट्रीट करने की, दांत निकाल के हम इसको ट्रीट करेंगे लोअर आर्च में या बगैर दांत निकाले करेंगे? हम ये डिसीजन नॉर्मली जो है ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि दांत निकलने की ज़रूरत है या नहीं. मेन जो इसमें वेरिएबल होता है जिसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं कि टूथ एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी लोअर आर्च में या किसी भी आर्च में, वो डिपेंड करती है क्राउडिंग या स्पेसिंग के ऊपर.
क्राउडिंग स्पेसिंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी, यानी कि जितनी स्पेस अवेलेबल है बोन में एल्वियोलर हाउसिंग की और मेसोडिस्टल विड्थ ऑफ द टीथ जो है वो कितनी है। इन दोनों को कैलकुलेट करके माइनस करके हम ये निकालते हैं कि क्या अगर मेसोडिस्टल विड्थ ऑफ द टीथ ज्यादा है तो क्राउडिंग होगी, मेसोडिस्टल विड्थ ऑफ द ऑल टीथ इफ दे आर लेसर देन द एल्वियोलर हाउसिंग तो जो स्पेसिंग होगी। ठीक है, अब ये सिचुएशन परमानेंट डेंटिशन से डिफरेंट इस तरह से हो जाती है कि हमारे पास 3, 4 और 5 जो है वो अरप्टेड ही नहीं है, वो बोन के अंदर है। Here comes a different story कि अब क्या हम ऐसे करें कि हमें 3, 4 और 5 का साइज पता चल जाए तो हम आगे से उसे कैलकुलेशन करें, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल है। हम आर्च पेरीमीटर मेजर कर सकते हैं मेसियल कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक हमारे पास एल्वियोलर हाउसिंग का डाटा मौजूद है। स्पेस अवेलेबल इसका मतलब है हमें पता चल गया, स्पेस अवेलेबल हमें पता चल गई। अब हमारे पास क्या चीज़ जो है वो नहीं पता, वो हमें नहीं पता 3, 4 और 5 की मेसोडिस्टल विड्थ। लोअर 1, 2 यानी कि लोअर सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर जो है वो तो हमारे पास हमें पता चल रहा है, उनकी मेसोडिस्टल विड्थ हमें कैसे पता चल रही है, हम इजीली मेजर कर सकते हैं। इवन के इसका मॉडल लेने की भी जरूरत नहीं है, इवन इन माय प्रैक्टिस आई डू इट ऑन द क्लिनिकल चेयर साइड पे आप उसकी जो मेसोडिस्टल विड्थ मेजर कर सकते हैं। लेकिन हाउ वी विल गोइंग टू कैलकुलेट द मेसोडिस्टल विड्थ ऑफ द 3, 4, 5 एनी इंटेलिजेंट इफ एनीवन वांट टू कंट्रीब्यूट हम कैसे कर सकते हैं पता। जी बोले सर, हम सेफ उसका कराएंगे तो उसमें जो दत्त की मेसोडिस्टल विड्थ है वो हम मेजर करेंगे। जी बेटा, ये को आप नाम बताइएगा। महनूर खालिद। अच्छा बेटा, सेफ हम कराएंगे तो उसमें मसला ये है कि वो ओवरलैपिंग कैसे होगा, हमें ये कैसे पता चलेगा आप लेफ्ट साइड की बात करें राइट साइड की बात करेंगे, और बेटा आप ये कैसे देखोगी कि वो ओवरलैप हो रहा है और कहाँ उसके मार्जिन। आपने सेफ ट्रेस किए हुए हैं और उसमें आपने देखा होगा कि दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप उसके मेसोडिस्टल विड्थ को सेफ के ऊपर मेजर कर सकें, क्योंकि वो ओवरलैपिंग का इशू ज़्यादा हो रहा होगा। आपने आपका वैसे पॉइंट मैं कैच कर रहा हूँ, क्योंकि आप कहना चाह रहे हो कि सेफ जो है वो 1:1 मैग्नीफिकेशन में होता है। डू यू मीन टू सी दैट लाइक दिस के वो तो मैग्नीफिकेशन का एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन जो उसके कहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट में हम कभी कभी किसी भी टूथ की जो मेजरमेंट लेते हैं वो उसके मैक्सिमल कॉन्टैक्ट एरिया से लेते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट टू कॉन्टैक्ट पॉइंट ले रहे होते हैं ना, जो मैक्सिमम मेसोडिस्टल विड्थ है उसकी, तो वो सेफ भी इजीली अवेलेबल नहीं होगी। ठीक सर। एनीवन एल्स कोई कंट्रीब्यूट करेगा कैसे हम मिक्स्ड डेंटिशन में केनाइन और प्रीमोलर की मेसोडिस्टल विड्थ पता कर सकते हैं, क्योंकि इस सारी इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ ये डाटा, ये मिसिंग लिंक है, बाकी चीजें हमें पता है, हमें स्पेस अवेलेबल पता है। अज्यूमिंग दैट के 10 साल के बच्चे में इंटरकेनाइन विड्थ नहीं बढ़ रही, हमने ये अज्यूम कर लिया कि फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही और स्पेस अवेलेबल, यानी कि स्पेस अवेलेबल को आप सिंपल वर्ड में ये कहो कि हड्डी में कितनी जगह है, बोन में कितनी जगह है, एल्वियोलर हाउसिंग आपको समझ आ रही है कि एल्वियोलस में कितनी जगह है। ठीक है, उस टूथ की मेसोडिस्टल विड्थ को अकोमोडेट करने के लिए, अगर तो हड्डी में जगह ज़्यादा है टीथ का साइज कम है तो स्पेसिंग होगी, अगर हड्डी में जगह कम है टीथ का मेसोडिस्टल विड्थ ज़्यादा है तो फिर क्राउडिंग होगी। अब इस इक्वेशन में जो चीज़ मिसिंग होती है वो होती है कि लोअर या मतलब किस मिक्स डेंटिशन में केनाइन और फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर की मेसोडिस्टल विड्थ, हमें ये पता चल जाए ना कि केनाइन और फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर की विड्थ कितनी है मेसोडिस्टल, तो हम सारी इक्वेशन की सॉल्व कर सकते हैं। आज की जो लेक्चर चलेगा वो चलेगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके ये हैं कि हम डिफरेंट इंडिकेशंस और सिनेरियो को आइडेंटिफाई करेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको हम आज दूसरा ये बताएंगे कि व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग मिक्स्ड डेंटिशन एनालिसिस। ये जो हमने आपसे बात की है कि जी उसकी मेसोडिस्टल विड्थ ऑफ द 3, 4, 5 हम कैसे मेजर करेंगे, इसको मेजर करने उसको असेसमेंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम आज के लेक्चर में वो 4-5 मेथड्स वो क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। और इन द एंड यू शुड बी एबल टू डू अ मिक्स्ड डेंटिशन एनालिसिस। इस लेक्चर के आखिर में जो है वो एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखूंगा, हर बच्चे के पास जो है वो एक पेपर पेन होना चाहिए या मोबाइल में खोल ले तो वो सिनेरियो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आपको हम मिक्स्ड डेंटिशन एनालिसिस के इंडिकेशंस बताएंगे, हम आपको बताएंगे डिफरेंट मेथड्स क्या है और
आप इसको कर सकेंगे. मिक्स टेंशन एनालिसिस आपने कब और कहाँ कैसे करनी है, ठीक है. वेरी सिंपल, कब करेंगे हम, जब हमने प्रिडिक्ट करनी हो अमाउंट ऑफ द क्राउडिंग आफ्टर परमानेंट टूथ कम इनटू द ओरल कैविटी, ठीक है. इस वक्त क्या है, हम क्यों मिक्स टेंशन एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग मिक्स टेंशन एनालिसिस. मिक्स टेंशन एनालिसिस हम उस वक्त कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में, आज तो बच्चे की एज जो हमने स्टार्टिंग एज थी वो 10 साल थी, 12 साल की एज में, 13 साल की एज में क्राउडिंग कितनी होगी, ठीक है ना. अभी तो सी डी और ई पड़े हुए हमारे पास, 10 साल की एज है, 12 साल या 13 साल की एज में क्राउडिंग कितनी होगी, उस वक्त सिचुएशन क्या होगी, हम ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं. हमारे पास सी डी ई है, हमारे पास 3, 4, 5 नहीं है, हम मेजर करना चाह रहे हैं 3, 4, 5 को. इज दिस क्लियर, कब करेंगे हम, करेंगे मिक्स टेंशन एनालिसिस में, इसमें क्या आर्मामेंटेरियम चाहिए, वो डिफरेंट मेथड्स के डिफरेंट है. कहाँ पर कर सकते हैं, जाहरी बात है आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं और सम टाइम चेयर साइड पर कर सकते हैं. हम डिफरेंट मेथड को डिस्कस करेंगे. एक मेथड चेयर साइड के, आई विल टेल यू द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड और उसी की मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, ठीक है. और कौन करेगा, आपका असिस्टेंट करेगा, आपका स्टूडेंट करेगा, या कौन करेगा, इट विल बी यू दैट यू विल बी परफॉर्मिंग. एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, डॉक्टर आगर सुहेल के स्टूडेंट बताएं कि क्या है ये, इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, और साथ में हमारे पास डायमीटर मेजर करने के लिए. किसके लिए होता है, इससे क्या मेजर करते हैं, इससे हम मेजर करते हैं, या फिर हम लोग इसे हम बर्क का डायमीटर भी मेजर करते हैं, डायमीटर टिप उसकी मेजर करते हैं, और लेंथ भी, लेंथ भी मेजर करते हैं. आपके सर हैं कि चले गए हैं, एक तो वर्नियर कैलिपर है, दूसरा मेजरिंग गेज. बुलिस गेज हम इसे कह सकते हैं. अच्छा, ये हमारे थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. अब हम बात करेंगे व्हाट इज मिक्स टेंशन एनालिसिस. इसके ऊपर हम थोड़ा सा बता चुका हुआ हूँ. मिक्स टेंशन एनालिसिस क्या है कि 2-3 डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है ये एनालिसिस करने के लिए. एक ये है कि जो मैंने बताया कि मेजियल कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट मोलर से दूसरे मोलर तक हम एक ब्रास वायर पास करेंगे. वाई ब्रास वायर, अब नाउ मेरे स्टूडेंट्स बताएं ब्रास वायर ही क्यों, तो हम सिंपल और वायर के साथ क्यों नहीं कर सकते. नाहिल बिला नहीं, सॉरी का कोटा नहीं था. मानू खालिद आप बताइए बेटा, क्यों सर वो फ्लेक्सिबल, सर वो फ्लेक्सिबल होती है शायद इसलिए, सर इसलिए क्योंकि वो सर वो अपनी शेप में मुझे रिटेन करती है, इसलिए हम उसे एग्जैक्टली, ठीक है. अगर हमने एक उसको बेंड किया वायर को और बाद में वो फिर फ्लेक्सिबल हो गई या अपनी शेप को वो छोड़ गई, तो फिर हम वो यूज नहीं कर पाएंगे. तो इसमें स्पेस अवेलेबल का मतलब क्या है, बिल्कुल बच्चों सिंपल कॉन्सेप्ट है कि बोन में कितनी जगह है. इस मेजियल कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट मोलर टू द अदर मोलर, और आपने ये पास करनी है थ्रू द इनसाइजल एज टू द बकल कस्प ऑफ द प्रीमोलर. इफ द टीथ आर वेरी वेरी प्रोक्लाइंड, तो फिर आप क्या करोगे, आप सिंगुलम से पास कर लोगे, क्योंकि आपने तो एल्वियोलर जो रिज है उससे आपने देखना है कि वो हमारे पास कितना है. अगर टीथ बहुत ज्यादा रिट्रोक्लाइन है तो वो उसके लेबियल सरफेस से चला जाएगा. ये हो गई स्पेस अवेलेबल. अब स्पेस अवेलेबल, स्पेस रिक्वायर्ड क्या है कि मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द इंसाइजस, जो कि 10 साल में ऑब्वियसली अरप्टेड होंगे, ठीक है बच्चों. ये किस एज में इंसाइजस अरप्ट करते हैं बताइए, 6 और 6 to 7 years में ये lower incisor erupt करके, और जो lower 3, 4, 5 हैं वो बाद में erupt करेंगे. तो अगर हमने ये measure करना है कि space required कितनी है, तो ये तो data incisors का तो आ गया. mixed tension analysis का जो philosophy है वो ये है कि किसी भी तरीके से different methods के साथ हम ये measure करेंगे कि what is going to be the major distal width of the 3, 4, 5, ठीक है. अच्छा, ये हम इस पे आते हैं कि ये हमने अज्यूम किया कि आर्च पेरीमीटर जो है वो चेंज नहीं कर रहा ग्रोथ के साथ, और जो लेट डिस्टल शिफ्ट है, एक अर्ली मेजल शिफ्ट थी और एक लेट मेजल शिफ्ट थी, हम उसको वक्ती तौर पे इग्नोर कर रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि अगर तो ट्रांसवर्स ग्रोथ ऑफ द मैक्सिला या मैंडिबल हो रही है तो वो तो स्पेस अवेलेबल चेंज हो जाएगी. ये हमने इग्नोर क्यों किया? इग्नोर करने की रीजन ये है कि वो बहुत ही कम है. 9 years की एज तक वो मोस्टली इंटरक्राइनबिट वगैरह कंप्लीट हो गई है. अब अगर वो हो भी रही है इस एज में तो इतने पॉइंट उसमें है कि वो ना होने के बराबर है, जस्ट इग्नोर इट. अच्छा, नाउ कम के हम मैंडिबुलर इंसाइजर को ही क्यों चूज करते हैं मिक्स टेंशन एनालिसिस में एक रेफरेंस लेने के लिए. उसकी वजह ये है कि इन टीप का साइज है, जी बोले, क्योंकि जब सबसे पहले रप्ट होता है मैंडिबुलर. हाँ जी, पहले भी रप्ट होता है. सॉरी, आई हैव टू म्यूट ऑल ऑफ यू बिकॉज़ ऑफ द बैकग्राउंड वॉइस. एक तो, और दूसरा है कि इजीली मेजरेबल इवन विदाउट हैविंग द मॉडल्स. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे एक क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं, आप इंप्रेशन लेके मॉडल एनालिसिस करके, इट्स अ पार्ट ऑफ द मॉडल एनालिसिस ऑफ द कास्ट एनालिसिस. हाउएवर, इफ आई आस्क एनीवन ऑफ यू, कैन यू डू the measure, can you measure the measure distal width of the lower incisors clinically? Yes, you can do it within 30 seconds. आप उसे आराम से करके कर सकते हैं. ठीक है, अपर क्यों नहीं लेते? अपर इसलिए नहीं लेते क्योंकि इसमें variability of the size जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. पैग लेटरल के साइज में जो वेरिएशन है वो सबसे ज़्यादा होती है और इसलिए वजह हम इसको नहीं लेते. एज अ रेफरेंस, एक कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर यूज होता है कि जो मॉयर एनालिसिस ने भी दिया, वो ये दिया कि अगर जनरलाइज साइज जो है ये जेनेटिकली डिटरमिन हो रहा है जैसे कि मैंने कहा, तो अगर मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द लोअर इंसाइजर्स ज़्यादा है, नॉर्मली जो लोअर इंसाइजर्स है वो 6 से 6.5 millimeter तक हो रहा है, 6 to 6.5 mm तक उस मेजर डिस्टल विड्थ जा रही है. अगर जनरलाइज्ड लोअर इंसाइजर्स की विड्थ ज़्यादा है, 7 mm या 7.5 mm तक है, तो दिस इज लाइक अ साइंटिफिक फैक्ट कि पूरी की पूरी आर्च में अपर जॉ और लोअर जॉ हर जगह पे टीथ के साइज और उनकी मेजर डिस्टल विड्थ जो है वो ज्यादा होगी. गॉट इट? ठीक है, अगर तो मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द लोअर इंसाइजेस जनरलाइज्ड ज्यादा है तो सारे टीथ का जो साइज है वो बड़े साइज का होगा. अगर माइक्रोडोंशिया है, यानी कि टीथ का साइज स्मॉल है और चारों लोअर इंसाइजर्स की, यानी कि लोअर सेंट्रल इंसाइजर एंड लोअर लेटरल इंसाइजर, इन चारों की मेजर डिस्टल विड्थ स्मॉल आ रही है, लेट्स से कि 16 mm आ रही है, 15 mm, 15 mm या 16 mm आ रही है, तो क्या होगा? जनरलाइज माइक्रोडोंशिया होगा. सारे टीथ में जो है वो उनका साइज स्मॉल होगा. दिस इज अ जनरल परसेप्शन, इट्स अ काइंड ऑफ अ साइंटिफिक फैक्ट. इसको मॉयर्स एनालिसिस में दिया, उसमें हम करते हैं. तो इस चीज़ को मॉयर्स एनालिसिस ने बहुत डिटेल में, डेप्थ में स्टडी किया. तो मॉयर्स एनालिसिस जो है वो इसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड कर रही है. ठीक है, उसमें क्या है कि हम ये क्या करते हैं कि एक ग्राफ के फॉर्म में ले लेते हैं. ग्राफ और एक स्टडी कंडक्ट हुई, ये एक सर्टन रेसिस के ऊपर ये स्टडी कंडक्ट हुई थी और इसमें उन्होंने मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द लोअर इंसाइजर्स को मेजर किया. यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों इंसाइजर्स की नॉर्मल मेजर डिस्टल विड्थ. ठीक है, अगर नॉर्मल जो है वो 6 mm का होता है या 5.5 mm का होता है, लेट्स से कि वो 5.5 mm का है, तो चार इंसाइजर्स कितने के हुए? 22 mm के. या लेट्स हमने कहा कि 5 mm का जो है वो लोअर इंसाइजर्स होता है, तो 4 मैंडिबुलर इंसाइजर्स जो है वो 20 mm तक के हुए. गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है हर कोई? यस सर. ठीक है, ये चारों जो लोअर इंसाइजर्स हैं उनकी मेजर डिस्टल विड्थ को आपने कंबाइन कर लिया. ये डाटा आपके पास आ गया कि ये कितना है. अब आपने ये फाइंड करना है कि 3, 4, और 5 की मेजर डिस्टल विड्थ क्या है. उन्होंने मेजर किया 10 साल की एज में और 12 साल की एज में, जब वो 3, 4, 5 अरप्ट कर गए तो उन्होंने बाकी डाटा वहां से मेजर कर लिया. ये जो स्टडी कंडक्ट में उसका बताने जा रहा हूँ कि मॉयर्स ने ये प्रोबेबिलिटी टेबल जो है वो कैसे डेवलप किया, कैसे एस्टेब्लिश किया. उन्होंने इसको ऐसे एस्टेब्लिश किया कि लेट से कि एक पेशेंट एक जो है वो 100 people है. मैं एग्जैक्ट स्टडी में नहीं जा रहा, इसको मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 100 लोगों की पॉपुलेशन है. ठीक है, उस पॉपुलेशन में उन्होंने देखा कि अगर लोअर इंसाइजेस की मेजर डिस्टल विड्थ जो है वो इतने आ रही है, लेट्स से कि 23 आ रही है. अगर लोअर इंसाइजेस की मेजर डिस्टल विड्थ जो है वो 23 आ रही है
तो उन्होंने ये मेजर किया उस 15 साल या 16 साल की एज में कि 3, 4, 5 की मेजर डिस्टल विड्थ जो है वो कितनी आएगी. इन द 95% ऑफ द पॉपुलेशन में वो इसके अराउंड थी, 85% ऑफ द पॉपुलेशन में वो इसके अराउंड थी, 75% ऑफ द पॉपुलेशन में. मैं ज्यादा स्टैटिस्टिक्स से ग्राफ की तरफ में लेके नहीं जा रहा, ये आपने पता होगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लेते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हो तो. 95% वन स्टैंडर्ड डेविएशन में जो है वो कहाँ तक उसको फॉल कर रहे हैं. मेक इट सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेटेड. हाउ वी डू द मॉयस एनालिसिस फॉर द मिक्स टेंटेशन, वी कैलकुलेट द मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द लोअर मैंडिबुलर इंसाइजर्स. उसका जो सम आया वो इस जगह पे रखा और हमने देखा कि 75% या 95% ऑफ द पॉपुलेशन में ये बहुत ही माइनर सा गैप है, बहुत ही माइनर सा गैप है. मतलब आप सिंपली इसको देखें कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन में वो मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द 3, 4, 5 जो है वो 22.9 मिलीमीटर हो गया. यानी ये 22.9 जो है इसका मतलब क्या है कि जो K9 और फर्स्ट और सेकेंड प्रीमोलर की जो विड्थ है वो 23 मिलीमीटर के होगा. 22.9 को मैं लेट से टू मेक इट सिंपल मैं कह रहा हूँ उसको 23 मिलीमीटर होगी ये उसके साइज का. ये उसने स्टडी कंडक्ट की और एक ग्राफ के फॉर्म में कर दिया. अब अगर हमने किसी पेशेंट की जो है वो ये करनी हो मिक्स्ड एनालिसिस. अच्छा नहीं बेटा फातिमा रदीम, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ये टेबल होगा. ये मॉयस एनालिसिस की जो एक लिमिटेशन है वो ये लिमिटेशन है कि आपके पास ये टेबल होना ज़रूरी है. जब हम तराकर जो से दूसरे मेथड को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम यही बात करेंगे कि इसमें इस एनालिसिस का मसला ये है कि जब तक आपके पास टेबल नहीं है या मोबाइल से आप वो टेबल के साथ मैच नहीं कर रहे तब तक आपकी एनालिसिस कंडक्ट नहीं कर सकते. This is one of the limitation, and you do not have to memorize this table. Practically speaking, आपको सिर्फ exam point of view से ये आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके method के साथ कर रहे हैं. I revise this method is very simple. What you have to do, आपने करना ये है कि lower mandible incisors की measured distal width को calculate किया और इस graph से check कर लिया कि 3, 4, 5 की. अच्छा ये जो 3, 4, 5 है ये एक side की है कि दोनों side की है? एक साइड की है क्योंकि नॉर्मली प्रीमोलर का साइज कितना होता है 7 mm का, कि 9 का थोड़ा सा बड़ा होता है 8 to 9 mm जा रहा होता है. तो 7, 7 plus 7, 14 हो गया और आपने कहा कि लेट्स से मैंडिबुलर के 9 मिलीमीटर का भी हो गया 8 to 9 का हो गया तो 23. तो इट्स डेफिनेटली मीन कि एक ही साइड की बात हो रही है. ठीक है रिपीट करते हैं. वट इज मॉयर्स एनालिसिस? मॉयर्स एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी टेबल. ये टेबल हमें ये बताता है कि अगर मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द लोअर इंसाइजर्स इतनी है तो उसके अकॉर्डिंगली 3, 4, और 5 की मेजर डिस्टल विड्थ कितनी होगी. इस ग्राफ के साथ हम मेयर कर रहे होते हैं कि 4, 1, 4, 2, 3, 1 और 3, 2 ये आपने मेजर डिस्टल विड्थ लोअर की मेयर की. अपर का इसमें यहाँ पे कोई वो नहीं है कि किस तरीके से क्या है. ठीक है ये ग्राफ दिया हुआ है 75% के हिसाब से. उस ग्राफ से आप यहाँ से मैच करेंगे. मैक्सिला का अलग ग्राफ है, मैंडिबल का अलग ग्राफ है. मेक इट क्लियर, मैक्सिला का अलग ग्राफ है, मैंडिबल का अलग ग्राफ है. 4, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 2 की मेजर डिस्टल विड्थ मेजर की, 75% प्रोबेबिलिटी से मैच किया कि वो कितनी आ रही है और ये हमारे पास कैलकुलेट हो गए ये वैल्यू. इसको 2 से तरफ क्यों दिया? क्योंकि आपने लेफ्ट और राइट को मेजर करना है. दीज वैल्यू प्लस मैंडिबल इंसाइजर्स की वैल्यू कैलकुलेट होके हमारे पास आ गई कि स्पेस रिक्वायर्ड कितनी है. आई रिपीट कि लेट्स से आई गिव यू अ सिनेरियो. लेट्स से कि जो है वो 23 जो है वो लोअर इंसाइजर्स की मेजर विड्थ है. अब 23 के अकॉर्डिंगली जो है वो 75% बनता है 22.6. ठीक है 22.6 बना. ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि लेफ्ट और राइट साइड हो गया तो ये रफली अराउंड 45 मिलीमीटर हो गया. ठीक है यानी कि 45 मिलीमीटर इज द मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द 3, 4, 5 ऑन बोथ द साइड्स. इसमें हमने ऐड कर लिया 23. ये ऐड क्यों किया? क्योंकि सारे दांतों की कंबाइंड मेजर डिस्टल विड्थ जो है वो होगी स्पेस रिक्वायर्ड. ठीक है तो दिस मेक्स 68. ठीक है 68 वुड बी द स्पेस रिक्वायर्ड क्योंकि हमारे पास 23 आ गया लोअर इंसाइजर्स की मैंडिबुलर विड्थ और 3, 4, 5 की हमने 45 निकाल लिया
को टेबल के हिसाब से क्विकली कुछ रिपीट कर दें, मेरे स्टूडेंट्स में से कोई रिपीट करेगा प्लीज। मिनाहिल बिलाल आप प्लीज रिपीट कीजिएगा, आई एम अनम्यूटिंग यू। सर इसमें आपने बताया कि स्पेस रिक्वायर्ड मेजर करने के लिए पहले हम लोग कोई एक लोअर सेंट्रल इंसाइज की जो है वो विड्थ मेजर करते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन बोथ साइड्स। नहीं 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 बेटा, इसमें ना हमने सारे मैंडिबुलर इंसाइजर्स की मेजर डिस्टल विड्थ को सेपरेटली मेजर करना है, यानी कि एक सेंट्रल इंसाइजर दूसरा सेंट्रल इंसाइजर लेफ्ट और राइट का, फिर लोअर आप जरा गौर से देखिए, सॉरी इसमें आपने पॉइंट मिस किया है, ये आप देखिए 4142313 इसकी सेपरेट इंडिविजुअल आप उसको मेजर करके लिखेंगे, ठीक है, यानी कि चारों दांतों के मेजर डिस्टल विड्थ आप सेपरेटली मेजर करेंगे, ठीक है, फिर उस इन चारों को जब आप कंबाइन करेंगे देन यू हैव दिस वैल्यू, इनमें से कोई वैल्यू आएगी, चारों को हमने इकट्ठा किया एक दांत के करके उससे हम आगे नहीं करेंगे। जी मिनाहिल दोबारा बताइएगा प्लीज। अच्छा सर इसमें हम लोग हर टूथ की जब इंडिविजुअली विड्थ मेजर करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हर इंसाइजर की, हर मैंडिबुलर इंसाइजर की, एवरी मैंडिबुलर इंसाइजर जी, ठीक है, वो हमने उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन बोथ साइड्स। नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करने से पहले जो है वो आप करेंगे, अच्छा मल्टीप्लाई तो बेटा हम बाद में करेंगे, हम ये करेंगे, ये हमारे पास आ गई विड्थ ऑफ द मैंडिबुलर इंसाइजर्स, विड्थ ऑफ द मैंडिबुलर इंसाइजर्स ये निकली बाय द सम ऑफ द ऑल द मैंडिबुलर इंसाइजर्स, यानी कि 3132 4142 की कंबाइन मेजरमेंट विड्थ ये आ गए। जब ये आ गई तो अब हम मेजर करेंगे इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली कि 3 4 5 उस ग्राफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये वो वैल्यू आ गए, जब ये वैल्यू आई इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के लॉजिक जो है वो ये है कि लेफ्ट और राइट साइड जो है ना वो हम उसको देख लें, लेफ्ट और राइट साइड को हम उसको देखना चाहते हैं। जी मिनाहिल दोबारा बताइए कब। जी सबसे पहले हम लोग इसमें जो है वो इंडिविजुअली मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर जो है उनकी विड्थ मेजर करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कि 3 4 5 की क्या विड्थ है और फिर हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स की हमें पता चल जाए। जी आमना इसको रिपीट करें, आमना पहले हम मैंडिबुलर इंसाइजर्स की विड्थ मेजर करेंगे इंडिविजुअली और फिर उस वैसे हम देखेंगे कि 3 4 5 की क्या वैल्यू बन रही है ग्राफ टेबल के अकॉर्डिंग और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड की आ जाएगी। ठीक है और फिर हम उसको आगे से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ये तो हो गया हमारा मॉयर्स मेथड। अब हम दूसरे से मेथड के ऊपर आते हैं, वो है रेडियोग्राफिक मेथड, ठीक है, यहाँ से मिनाहिल अभी आपको ना थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जब बाकी मेथड्स को मैं बता रहा हूं। हम करना क्या चाह रहे हैं, व्हाट आर, कोई जल्दी से क्विकली रिपीट करेगा, व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू इन द मिक्स्ड कंडीशन एनालिसिस, हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल एंड फातिमा फैज जरा बताइए पोटेंशियल क्राउडिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट वंडरफुल वर्ड पोटेंशियल क्राउडिंग के बाद में आज हमारे पास केस 9 या 10 साल की एज में है, 8 साल की एज में है, 12 साल की एज में कितनी क्राउडिंग होगी, 13 साल की एज में व्हेन द 3 4 एंड 5 व्हेन द canine एंड premolar वुड बी erupted इन द arch व्हाट वुड बी द सिचुएशन 5 इयर्स डाउन द रोड, दिस इज एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू मेजर, वी डोंट हैव all the data to yes and what is missing, we don't know the size of the 3 4 and 5, and in order to know the size of the 3 or 4 5 we have different methods. Now we are going to discuss the second method, which is the radiographic method. This method simply based on the fact ki hum jo hai ek x-ray karenge aur x-ray se unki mesial distal width ko measure kar lenge, bas simple concept, ek periapical x-ray kiya, koi bata sakta hai kyun opg kyun nahi kar gaya humne is kaam ke liye,
एनीवन ओपीजी क्यों नहीं किया मैं सर क्योंकि ओपीजी में 5 यूज करते हैं और उसमें जो सही तरह उसकी डायमेंशन सही नहीं आ रही होती क्योंकि सारी जो मैग्निफिकेशन यूज होते हैं उसको जी साइज जो 5 यूज होते हैं उसको उसको मिला के एक ही 2D इमेज बनाया होता है जी बिल्कुल पार्शली आपका आंसर भी है हम सिंपली इसी पे रखते हैं कि मैग्निफिकेशन एरर और जो उसकी आर्च का कर्व है वो उससे फोकल थ्रस्ट से मैच करे ना पड़े लेकिन ये कि पेरिएपिकल इज अ मोर रिफाइंड वे टू मेजर और बिल्कुल फातिमा जी आपने सही कहा कि मैग्निफाइड इमेज है ओपीजी में इस वजह से हम इसको नहीं कर रहे होते हमने मेजर करना था 3-4-5 के विड्थ सिंपल पेरिएपिकल एक्सरे किया पेरिएपिकल एक्सरे में जितनी विड्थ आ रही है वो हमने मेजर कर लें दैट्स इट सिंपल लेकिन इशू क्या है इशू आ रहा है कि कोई टूथ रोटेटेड है अगर केनाइन रोटेटेड है फॉर एग्जांपल वेरी वेरी कॉमन सिचुएशन आपने कितनी दफा देखा कि लोअर केनाइन निकलता है और वो रोटेटेड ट्रैप हुआ होगा क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपने ऑब्जर्व किया होगा या कोई सिंपल मैं बात करता हूँ कोई प्री मोलर है उसकी शेप या मॉर्फोलॉजी ऐसी कि अगर वो रोटेटेड है तो वो मेजर डिस्टल बिट जो अपेरेंट मेजर डिस्टल बिट होगी रेडियोग्राफ के ऊपर वो चेंज हो जाएगी यहाँ पे उसका इशू है और इस इशू रोटेशन तो ऐसा इशू है जिसको तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते फिर इसका सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको एक्सरे करना पड़ रहा है व्हाई डूइंग द रेडिएशन डोज कि आपको मेजर करने के लिए या तो आपने कोई पैथोलॉजी करनी है कोई रूट कैनाल करना है कोई आपने कोई और ट्रीटमेंट करना है जस्ट मिक्स्ड रोटेशन एनालिसिस करना है तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा रेडियोग्राफ करना पड़ रहा है ठीक है और इसमें ठीक है ओपीजी से मैंने बात हम निकाले थे हम इसी बात को आगे लेकर चला था कि ओपीजी ज़्यादा मैग्नीफाइड होता है तो बच्चों मुझे ये बताओ कि क्या पेरिएपिकल पेरिएपिकल में मैग्नीफिकेशन नहीं हो सकती क्या अगर आप इस वो होल्डर यूज नहीं कर रहे हैं उसमें देर इज अ पॉसिबिलिटी हालांकि अब इस होल्डर्स के साथ फाइन टेक्निक्स के साथ डिजिटल रेडियोग्राफी के साथ ये टेक्निक को बहुत बहुत कंट्रोल कर लिया गया है लेकिन अगर आपको फिर भी जो है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इमेज मैग्नीफाइड हो सकता है ठीक है अब ये मैं कैसे कर सकते हैं एनी इंटेलिजेंट अब आपने अपना दिमाग लगाना है कि आर्मामेंटेरियम क्या चाहिए हमें डेंटल कास्ट चाहिए हमें बुलिस गेज चाहिए मिलीमीटर रूलर चाहिए पेरिएपिकल एक्सरे रिक्वायर्ड होगा हाउ वी डू इट केयरफुली सुनिएगा फिर मैं आपसे रिवाइज करवाऊंगा What we do, we measure the mesodistal width of the erupted permanent teeth, जो कि अगर अपर आर्च है तो अपर आर्च के टीथ हो गए लोअर आर्च है तो लोअर आर्च के टीथ हो गए अब यहाँ पर अपर लोअर मैंडिबुलर इंसाइजर की बात नहीं कर रहे ठीक है ना ये नोट कर लीजिए देन वट वी डू वी मेजर द विड्थ ऑफ द ईच अनअरप्टेड टूथ कस्प केनाइन एंड प्रीमोलर फ्रॉम द इंट्रा पेरिफेरल एक्सरे ठीक है अब हमारे पास सारा डाटा आ गया जितने टीथ अरप्टेड हैं उनको क्लिनिकली मेजर कर लिया या कास्ट के ऊपर मेजर कर लिया और जितने टीथ अनअरप्टेड हैं सिंपल आपने उसकी रेडियोग्राफिक इमेज ली और उसको आपने मेजर कर लिया इस तरीके से इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें मेजर डिस्टल वेट ऑफ द अरप्टेड टीथ एंड मेजर डिस्टल वेट ऑफ द अनअरप्टेड टीथ इन दोनों को कंबाइन करने से आपके पास क्या आ जाएगी स्पेस रिक्वायर्ड क्या थी सारे टीथ का कंबाइन मेजर डिस्टल वेट ठीक है फ्रॉम mesial to first molar to the other side of the mesial of first molar yani ki 10 teeth ki 10 daanton ki from second premolar to the second premolar ki mesial distal width jo hai wo hoti hai space required ye jumla achhi tarah se rata laga lo kya jumla maine bola hai ki second premolar se leke dusre second premolar tak left to right ki mesial distal width jo hai wo hoti hai space required theek hai तो क्लिनिकली हमें इंसाइजर्स जो अरप्ट हुए हैं उससे पता कर लिया जो नहीं अरप्ट हुए हुए वो हमने पेरिएपिकल एक्सरे से पता कर लिया फिर क्या हो गया कि स्पेस अवेलेबल क्या होती है मैंने बताया है कोई जल्दी से रिपीट करें मेरे स्टूडेंट्स में से कोई रिपीट करें मानू खालिद क्या होती है स्पेस अवेलेबल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सर स्पेस अवेलेबल होती है अमाउंट ऑफ एल्वियोलर हाउसिंग मतलब जो हमारी बोन है वो कितनी है एल्वियोलर हाउसिंग वो स्पेस अवेलेबल होती है ठीक है और इसको कैसे मेजर कर रहे होते हैं और से मैं आर्च उससे हम जो आर्च वायर है उसको हम अराउंड द टीथ से मेजर करते हैं आर्च वायर या ब्रास वायर मतलब एक साइड ब्रास वायर जी बेटा ब्रास वायर के साथ हमने मेजर कर ली कि हड्डी सिंपल अभी मैं उस पर रट्टा भी लगवा रहा आपको कि सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि स्पेस अवेलेबल इज द अमाउंट ऑफ द बोन अवेलेबल टू अकोमोडेट द
मेजोजस्टिवेट ऑफ द डेंटेशन. ठीक है, सो व्हाट वी डू, हमारे पास अब ए और बी नोट करें. ए क्या है कि स्पेस अवेलेबल, स्पेस रिक्वायर्ड को हम भाई कर रहे हैं. वन टू वन टू अरप्टेड है, गौर से देखें, वन टू वन टू हम देते हैं परमानेंट डेंटेशन को. सी डी ई जो है वो डिसीडियस डेंटेशन है. तो वन टू जो है ये हमारे पास ए हो गया, मेजर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द इंसाइजर्स ऑन द स्टडी कास्ट या उसके ऊपर मॉडल के ऊपर. और बी क्या है, 3, 4, 5 की विड्थ. ये 3, 4, 5 जो है वो आप रेडियोग्राफ के साथ देख सकते हैं. दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. ये आपने रेडियोग्राफ लिया और 3, 4, 5 के आपके पास डाटा आ गया. अब व्हाट वी डू, वी सी इज द स्पेस अवेलेबल. स्पेस अवेलेबल आपने महानूर खालिद आपने कैसे मेजर की थी कि मेजियल टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट मोलर से मेजर करना शुरू किया, दूसरे सिक्स तक आप वो ब्रास वायर लेके गई. ये हमारे पास ओवर द रिज ऑफ द ओवर द रिज आपने इसको मेजर किया और ये आपके पास स्पेस अवेलेबल आ गई. ठीक है, सी इज द स्पेस अवेलेबल. सो ए बी इज द स्पेस रिक्वायर्ड, सी इज द स्पेस अवेलेबल. अब इन दोनों को अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो आप हमें ये पता चलेगा कि क्राउडिंग होगी या स्पेसिंग होगी. ये बात क्लियर है सबको, समझ आ गई ये बात, बिल्कुल क्लियर है? जी सर. ज़ारा नहीं, आप जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए ये ए बी सी डी वाली बात. सर इसमें जो ए है इसमें हम स्पेस रिक्वायर्ड में ये करते हैं जो मेजर डिजिटल विड्थ ऑफ 5 to 5 है सेकेंडरी मोलर से दूसरी साइड का जो सेकेंडरी मोलर है जो परमानेंट इरप्टेड टीथ है. और जो बी है उसमें हम अन इरप्टेड टीथ का करते हैं जो 3, 4, 5 है वो हम पेरिएपिटल रिज़ॉल्व से मेजर करते हैं. ठीक है. और इसमें सी जो है वो स्पेस अवेलेबल है तो ए प्लस बी करेंगे तो स्पेस रिक्वायर्ड आ जाएगी हमारे पास. ठीक है, तो दोबारा रिपीट कीजिएगा अच्छे अल्फाज में. ज़ारा नहीं, दोबारा एक्सप्लेन. सर इसमें जो ए है वो स्पेस रिक्वायर्ड है, इसमें हम परमानेंट इरप्टेड टीथ है उनकी मेजर डिजिटल विड्थ करते हैं जो हमारे पास केसेस में 1, 2 है तो इसमें इंसाइजर्स की हम मेजर डिजिटल विड्थ जो है वो मेजर करते हैं. और जो बी है उसमें अन इरप्टेड टीथ करेंगे जो 3, 4, 5 है वो पेरिऑप्टिकल रेडियोग्राफ से करेंगे. ठीक हो गया. और इसके बाद जो सी है वो स्पेस अवेलेबल. ठीक है, इस तरीके से आप एक्सरे आपके पास होगा, सिंपल मेजरेशन वेट कर लेंगे. इशू इसमें क्या आ रहा है, इशू बेटा इसमें ये आ रहा है कि आपको एक्सरे एक्स्ट्रा एक्सरे करना पड़ रहा है जिसकी जस्टिफिकेशन सिर्फ ये है कि आपने इसको मेजर करना है. दूसरा इसमें मसला क्या है कि रोटेशन हो सकती है. तीसरा इसमें मसला ये है कि इसमें मैग्निफिकेशन हो सकती है. ठीक है, अब अगर हम अब बात को टॉपिक को हम लेके जा रहे हैं सिर्फ मैग्निफिकेशन की तरफ. ये जो इशू है कि रोटेशन अगर है ये तो अनसॉल्वेबल है. ठीक है ना, ये तो नहीं सॉल्व हो सकता. अगर रोटेशन है तो हमें क्या पता चलेगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो हो सकता है, ये तो उसकी लिमिटेशन है. मैग्निफिकेशन का मसला उन्होंने हल कर लिया. मैग्निफिकेशन का मसला उन्होंने कैसे हल किया कि हमारे पास मॉडल के ऊपर जो है वो एक्चुअल साइज ऑफ द ई आर है. ई मीन सेकेंड प्री मोलर का आर है, सेकेंड डिसीडियस मोलर का साइज हमारे पास मॉडल के ऊपर आ रहा है. ठीक हो गया, ठीक है, समझ आ गई. और हमारे पास रेडियोग्राफ इमेज के ऊपर भी उसका साइज आ रहा है. लेट्स से कि मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मोलर सेकेंड मोलर जो है वो आती है मॉडल के ऊपर 10 मिलीमीटर. ठीक है, और रेडियोग्राफिक इमेज के ऊपर आ रही है 8 मिलीमीटर. इसका सिंपल सा मतलब क्या बनता है आपकी नज़र में? और रेडियोग्राफिक के ऊपर 11 मिलीमीटर आ रही है. मतलब सर हम उसमें से 2 mm माइनस कर देंगे जो हमारे पास 3, 4, 5 की विड्थ आ रही है. अच्छा, यहाँ पर आपको माइनस करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपने ये एस्टिमेट करना है कि ये रेडियोग्राफिक इमेज कितना मैग्निफाइड है या कितना स्क्वीज्ड है. मैं सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करता हूँ. आपके पास मॉडल पे किसी भी टूथ की मेजर डिस्टल विड्थ आ रही है 10 मिलीमीटर और रेडियोग्राफ के ऊपर उसकी मेजर डिस्टल विड्थ आ रही है 12 मिलीमीटर. इट्स मीन द रेडियोग्राफ इज मैग्निफाइड. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आप मेरी